हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शंस प्रीमियम क्या होता है, है ना। आपने सुना होगा कि जब भी हम ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे हम निफ्टी को ट्रेड करें या बैंक निफ्टी को ट्रेड करें या किसी स्टॉक को ट्रेड करें, जब भी हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमें प्रीमियम अमाउंट को बाय करना होता है या सेल करना होता है। तो आप लोगों में से जो ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करते हैं ऑलरेडी, तो उन्हें तो पता होगा इस बारे में, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप बिगिनर्स हैं, जैसे कि ये जो सीरीज़ है ये बिगिनर्स के लिए है, तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है कि ऑप्शंस में प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम को कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए है। इसके पहले जो मैंने जो वीडियो बनाई थी ऑप्शन से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस में प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है NSE इंडिया की वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या प्रीमियम क्या होता है और कैसे प्रीमियम्स को बाय या सेल किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये निफ्टी का डाटा है ऑप्शंस का, जो ऑप्शंस की जो चयन होती है उसका ये निफ्टी का डाटा है और ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। फिलहाल निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है आज का, वो है 9217 पे, ठीक है। 9217 इस प्राइस पे जो है आज निफ्टी क्लोज हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हैं, जैसे कि ये है 9000, तो ये 9000 जो है ये एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। फिर ये 9050, 9100, 9200, है ना। उसके बाद 9300, 9350, 9400, ये सारे के सारे जो है स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो जब हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि सपोज कीजिए कि फ्यूचर में अगर निफ्टी का प्राइस 9000 के प्राइस पे है, तो आप 9000 के प्राइस पे उसे अगर बाय करते हैं, तो अगर वो 9020 मतलब 20 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होता है 20 पॉइंट्स का, और अगर वो 20 पॉइंट्स नीचे आ जाता है तो आपका लॉस होता है 20 पॉइंट्स का। मतलब जो स्पॉट प्राइस चल रहा होता है, जो करंट प्राइस चल रहा होता है, उस प्राइस को आप ट्रेड करते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप प्राइस को देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके आधार पर ट्रेड करते हैं। मगर आप जो है उस पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस को ट्रेड नहीं करते हैं, यहाँ पे आप प्रीमियम अमाउंट को ट्रेड करते हैं। तो उस प्रीमियम अमाउंट को आपको बाय या सेल करना होता है, और उस प्रीमियम अमाउंट के आधार पर ही जो है आपको मार्जिन पे करना पड़ता है, या फिर उस प्रीमियम अमाउंट जितना होता है उसके आधार पर ही ये तय होता है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना कैपिटल होना चाहिए उस प्रीमियम अमाउंट को बाय या सेल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे अब एग्जांपल के लिए ये है 9200 का स्ट्राइक प्राइस, जैसे फिलहाल का प्राइस चल रहा है 9217, तो हम सबसे क्लोज उसका जो स्ट्राइक प्राइस है, हम उसी को एज अ एग्जांपल लेके चलते हैं। तो 9200 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे हम देखते हैं, तो ये 9200 के स्ट्राइक प्राइस पे आप देखिए कि इसका जो प्रीमियम अमाउंट है ये है 50 रुपीज़ पे फिलहाल। मतलब अगर आप 9200 के स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं आज की डेट में, तो आपको जो है 50 रुपीज़ का कम से कम प्रीमियम अमाउंट बाय करना पड़ेगा। अब 50 रुपीज़ के प्रीमियम अमाउंट को बाय करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, तो आप उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि 50 को मल्टीप्लाई बाय 75 करना पड़ेगा।
अब हम इसको यहाँ पे 75 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? 75 से इसको इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 75 का होता है, मतलब निफ्टी के एक पॉइंट के मोमेंट पे आपको 75 रुपीस का प्रॉफिट या लॉस होता है, वो उसका लॉट साइज होता है। तो इसलिए हम जो इसका प्रीमियम अमाउंट है 50, उसमें 75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे जो अमाउंट आएगा, जो कि समथिंग समवेयर 3750 के आसपास आएगा, तो इतना अमाउंट 3750 इतना अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। आप अगर आप 9200 के स्ट्राइक प्राइस का 50 रुपीस का प्रीमियम बाय करना चाहते हैं तो ठीक है। तो अब इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब आपने यहाँ पे देखा कि 9200 के स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम अमाउंट है वो 50 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे 9250 का पहले हमने देखा था 9200 के स्ट्राइक प्राइस जो कि 50 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है, अगर अब हम यहाँ पे देखते हैं 9250 रुपीस के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो कि 50 रुपये ज़्यादा है, तो वो आपको मिल रहा है 24-25 रुपीस में। तो अब यहाँ पे ये आपको जानने की ज़रूरत है कि 9200 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 50 रुपीस पे क्यों मिल रहा है और 9250 रुपीस का प्रीमियम हमको इतना सस्ता यानी कि 25 रुपीस पे क्यों मिल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है अभी कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो है 9219, ये करंट प्राइस है। तो 9219 से नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होंगे, जैसे कि ये 9200, ये 9200 जो स्ट्राइक प्राइस है ये करंट प्राइस यानी कि 9219 इससे नीचे है, तो ये इन द मनी जो है आपका स्ट्राइक प्राइस है, इसलिए इसका जो प्रीमियम अमाउंट है ये यहाँ पे ज़्यादा है, 50 रुपीस में मिल रहा है। अब अगर हम देखें 9250, अब ये जो है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो जाता है क्योंकि ये जो प्राइस है अभी तक आया नहीं है, फिलहाल जो निफ्टी का प्राइस है वो है 9219 और ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये है 9250 जो कि करंट प्राइस से ऊपर है, जो नहीं आया है और नहीं आया है इसलिए जो है ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो जाता है, इसलिए इसका जो प्रीमियम है ये हमें सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो आप उसका जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है और जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन होते हैं उनका प्रीमियम अमाउंट आपको थोड़ा सस्ता मिलता है, ठीक है। अब इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है, अगर इस चीज को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, तब आपको इस वीडियो को समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं, अब देखिए 9200 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आपको 50 रुपीस में मिल रहा है, अब अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं जैसे कि 9150 ये थोड़ा और हम नीचे आ गए तो ये भी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है तो इसका प्रीमियम हमको और भी महंगा मिलेगा 86 रुपीस पे। अब अगर हम 9100 के स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं कॉल ऑप्शन में तो ये भी इन द मनी है तो इसका जो प्रीमियम है ये भी हमको और भी महंगा मिलेगा 125 रुपीस पे। अब अगर हम ऊपर जाते हैं आउट ऑफ द मनी में जैसे कि 9300 तो 9300 जो है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है तो इसका प्रीमियम अमाउंट देखिए अभी आपको मिल रहा है 10 रुपीस पे क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। और ये अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो 9350 जो कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है जो प्राइस अभी तक आया नहीं है तो इसका प्रीमियम आपको और भी सस्ता मिल रहा है 3 रुपीस पे। तो इस तरह से जैसे जैसे आप और ऊपर जाते जाएंगे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में वो आपको प्रीमियम और भी सस्ता मिलता जाएगा, ठीक इसी तरह से पुट ऑप्शन में भी होता है, जैसे जैसे आप इन द मनी में बढ़ते जाएंगे आपके पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रीमियम अमाउंट कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों प्रीमियम ऑप्शंस में कि
प्रीमियम को कैसे ट्रेड किया जाता है और प्रीमियम कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि प्रीमियम अमाउंट, आपने सुना होगा कि एक्सपायरी के टाइम में बहुत सारे आउट ऑफ द मनी जो प्रीमियम अमाउंट होते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, वो ज़ीरो हो जाते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ऐसा क्यों होता है, किस सिचुएशन में होता है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको प्रीमियम का कैलकुलेशन करना है, किन किन सिचुएशंस में प्रीमियम जो है इवेपोरेट होने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको मार्केट की किन सिचुएशंस पे ध्यान रखना है इससे बचने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जो इसका तीसरा मैं पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था कि व्हाट इज़ प्रीमियम और आप कैसे प्रीमियम के बारे में जान सकते हैं और कैसे आप प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू, थैंक यू, बाय बाय।